सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9th. एबीसीडी इज अ रोबस एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली. शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज आर रेक्टेंगल. ठीक है, तो इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा. ठीक है, रोम्बस बनाना है हमें. रोम्बस की चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं. ठीक है, इस बात का ध्यान रख के आपने डायग्राम बनाना है. तो ये चारों साइड हमने कुछ इस तरीके से बना दी कि जो आपस में इक्वल है और मिड पॉइंट्स को आपस में जॉइन करना है हमने. ठीक है, ये हमारा पी क्यू आर एस बन गया. इसको भी ज्वाइन कर देते हैं और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, ये हमारा एक रोम्बस है ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स, राइट. और ये हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ओ और ये ले लेते हैं एम एंड एन. ठीक है, एम एन और इसको ले लेते हैं ई एंड एफ. ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले प्रूव करेंगे कि जो पी क्यू आर एस है वो एक पैरेललोग्राफ होना चाहिए. सबसे पहले जो ट्राइंगल कंसिडर करने वाले हैं वो दिस वन ए बी सी. सो हम सबसे पहले ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ए बी सी. सो इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स. ठीक है, ये हमें गिवन है. तो भाई हमारे पास बाय मिड पॉइंट थ्योरम एक रिजल्ट आ जाएगा. मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे हम यहाँ पर. क्या रिजल्ट आ जाएगा कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है ना, लाइन ज्वाइनिंग टू द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड आर पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड. ठीक है, सो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी. ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ गया. ठीक है, और इसके बाद अब जो हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे वो हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ए सी डी. ठीक है, दिस ट्राइंगल हम इस ट्राइंगल को हम कंसिडर करेंगे. सो इन ट्राइंगल ए सी डी आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स. ठीक है, ये हमें गिवन है. तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम By midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. ठीक है, so SR is equal to half of AC and SR is parallel to AC. ये हमारे पास second result आ गया. ठीक है, अब देखो first result से PQ जो है वो AC के half है और parallel है, SR भी AC के half है और parallel. From 1 and 2 हमारे पास result आ गया कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर. ठीक है, जब ये पी क्यू एस आर के इक्वल हो गया और पैरेलल भी हो गया तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया. जब कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन पी क्यू आर एस मतलब वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है. ठीक है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया. ओके, तो देखो जब हमारा ये एक पैरेललोग्राम बन गया तो अब हम इसके अंदर हम काम करेंगे. ये जो है हमारे पास ओ एन क्यू एम, अब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, देखो हमें पता है कि रोम्बस की जो डायगनल्स होती है वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को किस पे, 90 डिग्री पे. तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, इस एंगल को ले लेते हैं एंगल 1, राइट.
As we know, diagonal of rhombus bisect each other at 90 degree. ठीक है, तो बाई एंगल वन कितना हो गया, 90 degree हो गया. अब हम कंसिडर करेंगे क्वाड्रिलेटरल ओ एम क्यू एन. ठीक है, इसमें क्यू एन इज पैरेलल टू ओ एम. क्यों होगा क्यू एन इज पैरेलल टू ए एम? एज पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, जो कि हमने अभी प्रूव किया था. ठीक है, और जो ये एम क्यू है, दिस इज पैरेलल टू ओ एन. ठीक है, एम क्यू इज पैरेलल टू ओ एन एज ये जो पी क्यू क्यू आर होगा ये बी डी के पैरेलल होगा. एज क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी, सेम बाई मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, तो ये एक क्या बन गया, ओ एम क्यू एन एक क्या बन गया, पैरेलल ग्राम बन गया. ठीक है, तो देयर फोर ओ एम क्यू एन इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ गया. अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो आपस में इक्वल होती है. ठीक है, तो उससे ये वाला एंगल, इसको हम एंगल टू ले लेते हैं. तो देयरफॉर एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन इज इक्वल टू 90 degree. क्या लिख देंगे यहां पर, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, जो कि आपस में इक्वल होते हैं. ठीक है, अब हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया, मतलब कि एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो भाई ये पी क्यू आर एस जो कि हमने एक पैरेललोग्राम प्रूव करा था यहाँ पर, ठीक है, उसका एक एंगल हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो ये क्या बन गया, देयर फोर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 degree देन इट इज अ रेक्टेंगल. ये हमारी यहां पर प्रॉपर्टी लग गई. ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर, यही था. देखो, शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, यही प्रूव करना था. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा.